बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास थ्री। ओपन योर बुक स्मार्ट मैथमेटिक्स क्लास थ्री पेज नंबर 18। ओके बेटा, हम आज चैप्टर नंबर टू स्टार्ट कर रहे हैं, एडिशन अप टू 10,000। चैप्टर नंबर टू एडिशन अप टू 10,000 बेटा हम आज चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले देखते हैं इसमें स्मार्ट वोकैबुलरी वर्ड्स जो हैं, इसमें देखें ऐड प्लस सम टोटल ऑल टुगेदर मोर एडिशन। बेटा इसका मतलब ये है कि किसी भी पॉइंट पर जब ये आपको वर्ड नज़र आएंगे उन सब का सेम मीनिंग है, यानी कि सबको आपने ऐड करना है, यानी कि ऐड प्लस सम टोटल ऑल टुगेदर मोर एडिशन एक ही चीज़ का नाम है, लेकिन ये डिफरेंट वोकैबुलरी है जो कि यूज़ की गई है और ये आपको पॉइंट ऐसे यूज़ किए जाएंगे। अब सब में करना है क्या है, सब में सम ही करना है जब भी कोई पॉइंट आएगा। ओके उसके बाद देखते हैं हम एडिशन ऑफ थ्री एंड फोर डिजिट नंबर्स, यानी कि जो हमारा टारगेट है उसमें थ्री एंड फोर डिजिट नंबर्स को जो है वो हमने ऐड करना है, जबकि क्लास वन में आपने वन डिजिट एंड टू डिजिट नंबर्स की एडिशन को सीखा था। ओके देखें, सबसे पहले है एडिशन विद आउट कैरिंग। व्हेन एडिंग टू आर मोर नंबर्स राइट वन नंबर अंडर द अदर अकॉर्डिंग टू द इट्स प्लेस वैल्यू। ऑलवेज स्टार्ट बाय एडिंग द वंस फर्स्ट। ओके अब देखें ज़रा इसमें क्या है कि जब आपने नंबर्स को लिख लिया उसके नीचे दूसरा नंबर राइट कर लिया, जो भी दूसरी सेकंड वैल्यू है आपने उसको राइट कर लिया। अब टू और थ्री या फोर डिजिट नंबर्स है तो फिर उसमें करना क्या है, सबसे पहले आपने जो चैप्टर नंबर वन में सीखा है प्लेस वैल्यू वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड, तो याद रखें जब भी आपने एडिशन या सब्ट्रैक्शन करनी है तो आपने हमेशा जो है वो वंस से स्टार्ट करनी है, यानी कि राइट से लेफ्ट की जानब इसको जो है वो सॉल्यूशन करते हुए आना है। फॉर एग्जांपल ये एक एग्जांपल भी की हुई है, देखें ज़रा एग्जांपल आपके सामने ये पेज नंबर 18 पर उसने एक एग्जाम्पल खुद से सॉल्व करके दी है। ये दो वैल्यूज उसने गिवन की हैं 1875 एंड 1623, ठीक है 8175 एंड 1623। ओके देखें ये प्लेस वन वैल्यू वन एंड वैल्यू टू, अब इसको राइट किया है ये फोर डिजिट में है 8175। ओके इसी तरह सेम लाइक दैट 1623। अब इसमें करना क्या है कि जो सबसे पहला काम है आपने इनके ऊपर वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड लिख लें जो है ये ज़्यादा बेटर है। उसमें क्या है कि आपने वंस को वंस में ऐड करना है, वंस को वंस में ऐड करना है और कुछ नंबर्स में कैरी आएगा तो आपने उस कैरी को आगे टेंस में लेके जाना है, फिर टेंस को ऐड करना है, फिर हंड्रेड को और इसी तरह थाउजेंड को करना है। तो अब हम बेटा हम स्टार्ट करते हैं पेज नंबर 19 से, देखते हैं पेज नंबर 19 ऐड द फॉलोइंग। अब ये सबसे पहला जो क्वेश्चन है ये थ्री डिजिट नंबर है, ठीक है थ्री डिजिट लाइक वन टू थ्री। ओके और ये दो वैल्यूज गिवन है 355 एंड 523, यानी कि 355 एंड 523। तो आपने ऐड करना है, ऐड करने के लिए क्या करेंगे कि हमेशा वंस प्लेस को सबसे पहले सॉल्व करते हैं, ऐड करते हैं। अगर कोई बच्चा यहाँ से स्टार्ट करेगा यानी कि 3 प्लस 5 8 लिख देगा तो बेटा वो गलत होगा। हो सकता है समटाइम्स आपका आंसर सेम आए जिसमें कोई कैरी नहीं लेना पड़ेगा तो उसमें तो सेम सेम आएगा तो आप कहेंगे तो ये तो ठीक हो रहा है इससे भी करने से, लेकिन जब कैरी वाले क्वेश्चन आते हैं तो फिर उसमें आपका ये क्वेश्चन जो है ये रॉन्ग हो जाता है। और सब्ट्रैक्शन में भी ऐसे ही करना है, हमेशा जब भी आपने प्लस या माइनस करना है सब्ट्रैक्शन तो याद रखें कि आपने वंस प्लेस को फॉलो करना है। ओके हम स्टार्ट करते हैं 5 प्लस 3। ओके अब यहाँ से आते हैं 5 प्लस 3, इससे मैं आप लोगों को ये एग्जाम्पल देता हूँ कुछ एक्टिविटीज़ के साथ। अब देखें ये मेरे पास जो है 1 2 3 4 5, ठीक है 1 2 3 4 5। अब ये 5 है मेरे पास तो इसी तरह से इसमें कितने ऐड करने हैं, इसमें वो कहता है कि आपने जो है वो 3 ऐड करने हैं लाइक 1 2 3, ठीक है 1 2 3। ये क्या है मेरे पास ये स्क्वायर है, अब इनको मैंने ऐड करने हैं। अब ऐड कैसे करना है कि इनको मैंने अब ये कर लिया मैंने टोटल, यानी कि ये सम करना है, इसको कहते हैं सम करना। अब टोटल को काउंट कर लेने, देखें जरा 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके तो बेटा इस तरह से ये आंसर यहां पर कितना आएगा 3 प्लस 5 8। ओके वंस अगेन अब देखें नेक्स्ट क्या है 5 एंड 2। ओके इसी तरह से अगेन ये मेरे पास 5 ऑलरेडी है, ठीक है इसमें क्या करना है 2। अब ये मेरे पास 2 है 2 और 5,
तो मैंने अब इनको क्या करना है, ऐड करना है। तो अब ये देखें, ऐड मीन्स अब ये दोबारा से इनको काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। ओके, तो यहां पर हम लिख देंगे 7। ओके, लास्ट में फिर 3 एंड 5। तो इसको 3 एंड 5 हम ऑलरेडी भी कर चुके हैं, तो ऊपर पहले 5 था, नीचे 3 था, अब ऊपर 3 है तो नीचे 5 है, तो बेटा इसका कोई इशू नहीं है। प्लस में जो है वैल्यू यानी कि पोजीशन आगे पीछे हो जाए तो उसका इशू नहीं है। अब देखें, इस मैंने जो है 5 इधर कर लिया, 3 इधर कर लिया, अभी इनको ऐड करेंगे तो जब आप इनको टोटल करेंगे यानी कि काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो रिजल्ट बेटा हमेशा जो है वो क्या आएगा, सेम आएगा। तो इसी तरह से आपने जो है ये क्वेश्चंस करने हैं। अब देखें, 5 + 3 8, 5 + 2 7, 3 + 5 8, तो 878 क्वेश्चन नंबर 1 का जो है ये आंसर आ चुका है। तो इस तरह से आपके पास ये बाकी क्वेश्चंस भी हैं। आपने इसकी एक्टिविटी क्या करनी है, एक तो बेटा आप लोग जो है जैसे क्लास 1 में आप लाइंस लगा के काउंट करते हैं, उसमें लाइंस टोटल ऐड कर लेते हैं तो वो भी ठीक है, लेकिन अगर आपके पास इसी तरह से कलर, जैसे आपके पास कलर्स होते हैं, कलर्स को आप डिफरेंट कलर्स को ऐसे कर सकते हैं, 5 कलर एक साइड पे कर लिए 6 से और उनको बाद में ऐड कर लिया, टोटल कर लिया, तो उस तरह से भी आप कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि आपने हमेशा लाइंस से ही करना है, तो उसमें समटाइम्स ऐसा होता है कि बच्चे लाइन से मिस्टेक कर जाते हैं, काउंट करने में मिस्टेक हो जाती है, तो आप ऐसे एक्टिविटी की फॉर्म में भी इनको कर सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1 + 6। सो 1 + 6 बेटा कितना होता है, 1 + 6 जब आप इसको करके देखेंगे तो आपका आंसर आएगा 1 + 6 7। ओके, फिर टेंस को टेंस प्लेस में, अब ये भी बात है कि मैं 5 और 6 को ऐड करूंगा तो रॉन्ग हो जाएगा, याद रखें हमेशा टेंस को टेंस प्लेस में, 1 को 1 में ऐड करना है, जबकि 100 प्लेस को 100 प्लेस में ऐड करना है। अगर आप ऊपर आप ले रहे हैं टेंस प्लेस का और नीचे 1 या 100 को कैरी उसमें ऐड कर रहे हैं तो आपका क्वेश्चन तब भी रॉन्ग होगा। तो जो आपने अगर वंस प्लेस ऐड कर रहे हैं तो वंस को वंस में ही ऐड करना है। अब देखें, 5 + 4, 5 + 4 बेटा कितना होता है, 9, 4 + 3 7, तो 797। ओके, अब ये जो है ये भी 3 डिजिट्स है तो ये आप लोगों ने खुद से सॉल्व करने। अब मैं करता हूं नेक्स्ट है 4 डिजिट नंबर्स। 4 डिजिट नंबर्स में देखते हैं, सबसे पहले 0 + 6, यानी कि 0 है और 0 में जब 6 ऐड करेंगे तो 0 में 6 ऐड करने से आंसर जो है 6 ही रहेगा। इसी तरह 0 + 7, तो 0 में 7 ऐड करने से 7 ही रहेगा। 5 + 3 हम थोड़ी देर पहले कर चुके हैं, 5 में जब 3 ऐड करते हैं तो कितना आंसर आएगा, 8, एंड 8 में 1 जब ऐड करेंगे तो 9। अब ये देखें, ये 4 डिजिट नंबर्स है यानी कि 1000, याद रखें जब भी 4 डिजिट नंबर होगा तो वो 1000 के फॉर्म में होगा, 1000 2000 3000 4 5 6 7 8 9, जैसे ही 10 आ जाना है तो वो 4 डिजिट की बजाय फिर वो बेटा 5 डिजिट्स में चला जाएगा यानी कि 10000। अदरवाइज 1 से लेके 8 9 तक जो है ये आपका 4 डिजिट्स में हमेशा क्या रहेगा, 1000, तो 9876। इसी तरह इसका जो सेकंड ऑप्शन है यानी कि सेकंड क्वेश्चन है 4 डिजिट्स में, ये आप लोगों ने खुद से सॉल्व करने। ओके, नेक्स्ट है जी ब्रश अप क्वेश्चन नंबर जो है इसी का फर्स्ट अगेन, पेज नंबर 19। कॉपी दी फॉलोइंग इन योर एक्सरसाइज बुक्स एंड सॉल्व देम। ओके, ये आपके पास कुछ क्वेश्चन ये हुए हैं बेटा, आप लोगों ने इनको अपनी नोटबुक के ऊपर भी एज इट इज जो है इनको सॉल्व करने है, इनकी प्रैक्टिस, इनको जो है पहले आपने रफ पर जो है इसकी प्रैक्टिस कर लेनी है, बाद में जब आपको ये अच्छे से हो जाए तो आप लोगों ने साथ में इनको नीट नोटबुक के ऊपर भी सॉल्व कर लेने। ओके, दोबारा से बात गौर से सुनिएगा कि क्या है कि हमने वंस को वंस में ऐड करना है, और एडिशन और सब्ट्रैक्शन का रूल है कि जब भी आपने स्टार्ट करना है आपने वंस साइड से जो है वो स्टार्ट करना है और 100 साइड की तरफ मूव करना है, यानी कि राइट टू लेफ्ट, कभी भी आप लेफ्ट से राइट नहीं जाएंगे, यानी कि पहले 100 को कर लें फिर 1000 को कर लें, टेंस को कर लें फिर वंस को करेंगे तो गलत हो जाएगा। जब भी आपने एडिशन और सब्ट्रैक्शन करनी है तो बेटा वंस प्लेस को फॉलो करना है। सो देखिए, वंस प्लेस पे क्या है, 2 2 और 1, यानी कि 2 और 1, 2 में 1 ऐड करें तो बेटा कितना आएगा, 3। ओके, नेक्स्ट है जी 4 ऐड 3, यानी कि 4 + 3 7 एंड 3 + 5 8। ओके, इसी तरह से नेक्स्ट है, ये भी 3 डिजिट नंबर है, ये भी 3 डिजिट नंबर है, ये आप लोगों ने खुद से सोल्व करने हैं। अगर कोई पॉइंट आपको जो है क्लियर ना हो, कोई समझ ना रही हो तो वो आप लोगों ने डिस्कस कर लेने हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखें डी वाला, इसमें जो है 4 डिजिट नंबर है, दोबारा से देखते हैं वंस प्लेस पे क्या है हमारे पास, वंस प्लेस पे पहले तो है 1 एंड 3,
वन एंड थ्री को बेटा ऐड करना है, वन प्लस थ्री, वन में थ्री ऐड करेंगे तो आ जाएगा फोर। टेंस प्लेस पे देखते हैं, टू एंड फोर है तो टू और फोर को जब ऐड करेंगे तो बेटा आ जाएगा सिक्स, यानी कि टू प्लस फोर सिक्स। उसके बाद हंड्रेड प्लेस पे क्या है, फाइव एंड टू, फाइव प्लस टू करेंगे तो सेवन। और थाउजेंड प्लेस पे है सिक्स प्लस थ्री, सिक्स प्लस थ्री बेटा करेंगे तो नाइन। ओके, अभी तक हमने जो क्वेश्चंस किए हैं बेटा, ये जो सारे हैं ये कौन से हैं, विदआउट कैरी वाले, यानी कि इसमें पेज नंबर 19 पर आपको कोई भी एक ऐसा सवाल नहीं है जिसमें हमें कैरी लेना पड़ेगा, तो ये विदाउट कैरी वाले हैं। तो जो बाकी क्वेश्चंस रहते हैं आप लोगों ने खुद से बुक के ऊपर भी सॉल्व करने हैं, जब ये आपको क्लियर हो जाए, ठीक है, आपको समझ आ जाए, तो उसके बाद आपने इन्हीं क्वेश्चंस को अपनी नोटबुक के, नीट नोटबुक के ऊपर भी ऐसे ही कॉपी पेस्ट करना है। ओके, इसके बेटा इसी टॉपिक के लास्ट टू क्वेश्चंस हैं पेज नंबर 20 पर, तो ये हमारा जो है विदाउट कैरी वाला जो है ये कंप्लीट हो जाएगा। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा उसमें हम कैरी वाले करेंगे, लास्ट दो क्वेश्चंस हैं उसमें देखते हैं। अब ये है बेटा फाइव डिजिट नंबर्स में, देखें वन टेंथ हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड। तो अभी तक पेज नंबर 19 पर जितने क्वेश्चंस थे वो थ्री या फोर डिजिट नंबर में थे, तो पेज नंबर 20 पर ये दो क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो बेटा ये कितने डिजिट्स नंबर है, ये फाइव डिजिट्स नंबर है, ठीक है। तो इसमें से मैं आप एक को सॉल्व करवाता हूं और एक आप लोगों ने खुद करना है। ओके, मैं ये वाला स्टार्ट कर रहा हूं। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन का मैं बार बार बता रहा हूं बेटा, रूल है कि जब भी आपने स्टार्ट करनी है तो आपने वंस प्लेस से स्टार्ट करनी है, और जिस प्लेस को ऐड करें तो उसको उसी प्लेस में ऐड करना है, यानी कि वन को टेन में ऐड नहीं कर सकते, टेन को हंड्रेड में नहीं, वन को हमेशा वन में, टेन को टेन में ऐड करना है। ओके, देखते हैं, एट प्लस वन, एट में वन ऐड करेंगे तो बेटा क्या आएगा आंसर, नाइन। थ्री प्लस टू, थ्री में टू प्लस करें तो फाइव। जीरो प्लस फाइव, फाइव। जीरो प्लस जीरो, अब जीरो प्लस जीरो क्या आएगा, जीरो ही आएगा क्योंकि जीरो इटसेल्फ नो वैल्यू। सिक्स प्लस वन, सिक्स में वन प्लस करेंगे तो बेटा आपका आंसर आएगा सेवन। ओके बेटा, आज का हमारा इतना ही टॉपिक है, इतना ही काम है, तो आपने क्या करना है, इन क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। इनको एक्टिविटी की फॉर्म में, कलर्स आपके पास हैं तो उसकी फॉर्म में, अदरवाइज फिर जो है जैसे आप वन क्लास में करते हैं अगर लाइंस में ही करना है तो वैसे इन क्वेश्चंस को आपने करना है रफ नोटबुक के ऊपर सॉल्व करके फिर यहाँ पर आंसर लगाने हैं। जब ये कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद बेटा आपने ये वाले क्वेश्चन जो है ये अपनी नीट नोटबुक के ऊपर भी नीट करके राइट कर लेने हैं। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।